हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू बैक इन योर मैथ क्लास एंड टुडे वी विल लर्न लास्ट टॉपिक इन मैथ एंड दैट इज पैटर्न ओके यू स्टडी पैटर्न इन प्रीवियस स्टैंडर्ड आल्सो अपने पहले भी देखे पैटर्न क्या होता है पैटर्न जो नंबर बार बार आते हैं जो डिजाइन बार बार आती है वो हमें देखनी होती है ओके okay? उसे कहते हैं पैटर्न ओके okay? देखो रिपीटेड होते जाती है ओके ज्योमेट्रिकल पैटर्न स्टडी ऑफ द डिजाइन शो बिलो ऑब्जर्व पैटर्न ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप्स ओके ज्योमेट्रिकल शेप्स देखो ट्रायंगल है सॉरी uh, ट्रायंगल है सर्कल है देखो ये गेट है एक वो अलग अलग ज्योमेट्री के दिख रहे ना यहाँ पे सर्कल स्क्वेयर ट्रायंगल ऐसे ही करना है ठीक है ये पैटर्न आप कर भी सकते हो और ये देखो स्क्वेयर स्क्वेयर के पैटर्न क्या हो रहे हैं रिपीट रिपीट हो रहे हैं देखो ऐसे करना है ठीक है अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नाउ कंप्लीट दिस एक्सरसाइज गिवन बिलो देखो यहाँ पे ये क्या करनी है हमें रिपीट रिपीट करनी है देखो यहाँ पे क्या है स्क्वेयर है फिर क्या है काइट शेप स्क्वेयर है बाद में ये स्क्वेयर है आपको अपने बुक में सॉल्व करनी है ये ऐसे ही हमें क्या करना है ये पैटर्न क्या करना है आगे आगे ड्रॉ करते जाना है ओके खत्म होने तक यहाँ पे यहां तक हमें क्या करना है ड्रॉ करते जाना अब यहाँ पे भी देखो ज्योमेट्रिकल शेप है यहाँ पे यहाँ पे भी स्क्वेयर काइट शेप्स ओके यहाँ पे है ट्रायंगल स्क्वेयर सर्कल ट्रायंगल ऐसे ही आता है ऐसे ही ये क्या करते जाना है सॉल्व करते जाना है सेम एज ओके अब देखो स्टडी द पैटर्न बिलो मेड फ्रॉम द फ्री हैंडेड शेप अ फ्री हैंडेड शेप मतलब क्या होता है जो हम हम रंगोली में निकालते है रंगोली निकालते है अलग अलग के फ्लावर्स निकालते है कुछ भी निकालते है उसे क्या कहते हैं फ्री हैंडेड शेप ओके डिजाइन्स ओके वो ऐसी डिजाइन दी है वो क्या करनी है वो भी रिपीट करनी है अब देखो एक्सरसाइज में मेक अ पैटर्न बाय प्लेसिंग एनी जोमेट्रिकल शेप वन इज द इन द फ्रंट ऑफ द अदर्स ओके क्या करनी है हमें जोमेट्रिकल शेप के, क्या करना है पैटर्न करने हैं और क्या करना है पैटर्न बनाना है देखो हम ट्राइंगल स्क्वेयर ट्राइंगल स्क्वेयर ऐसे पैटर्न भी बना सकते है और ये देखो एंगल्स भी बना सकते है ये देखो लाइन स्क्वेयर सर्कल लाइन स्क्वेयर सर्कल ऐसे क्या कर सकते है हम जोमेट्रिकल पैटर्न बना सकते है ओके okay. अब देखो मेक अ पैटर्न यूजिंग डिफरेंट फ्री हैंड शेप्स अब देखो फ्री हैंड शेप में क्या हम मतलब डिजाइन होती है हम एक फ्लावर फ्लावर्स लीप फ्लावर्स लीप फ्लावर स्लीफ ऐसे क्या कर सकते हैं फ्री हैंडेड शेप के पैटर्न भी बना सकते ओके ये देखो फ्लावर लीव्स फ्लावर्स लिप्स ऐसे क्या कर सकते हैं हम पैटर्न बना सकते हैं ओके अब क्या करना है हमें कंप्लीट द पैटर्न गिवन बिलो ये जो पैटर्न दिया है हमें क्या करना है कंप्लीट करना है ये देखो काइट शेप या क्या आएगा सबसे पहले ये देखो ये हुआ ये हुआ ये अब यहाँ पे ये वाला आएगा फिर यहाँ पे ये ऐसे क्या करने हैं हमें सॉल्व करना है और पूरा पैटर्न कंप्लीट करना है ओके रिपीट रिपीट होते जाएगा ये पैटर्न हो रहा है ना रिपीट ये देखो यहाँ पे ये आया यहाँ पे ये, ये होने के बाद ये ये होने के बाद ये ऐसे ही क्या करना है हमें पैटर्न सॉल्व करना है ठीक है बहुत ही इजी टॉपिक है सो यू डोंट मेक डिफिकल्ट ओके आइडेंटिफाई the geometric शेप इन the पैटर्न above एंड यूजिंग देम क्रिएट your own designs ओके okay? ये जो पैटर्न हमें दिए हैं ज्योमेट्रिकल शेप के ये क्या करने हैं हमें आइडेंटिफाई करने क्या है यहाँ पे ट्रायंगल है स्क्वेयर से ये काइट शेप है काइट शेप है सर्कल्स है देखो ऐसे ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और अपने मन से क्या करना है जोमेट्रिकल शेप के हमें क्या करने हैं और भी ज्यादा डिजाइन क्रिएट करने हैं ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट समझ में आया क्या क्या हो रहा है ये पैटर्न्स मतलब जो रिपीट रिपीट होते जाता है ओके बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और बहुत ही इजी टॉपिक है ओके ओके स्टूडेंट पैटर्न इन द मल्टीप्लीकेशन टेबल में अब देखो नाइन एटीन ट्वेंटी सेवन थर्टी सिक्स फोर्टी फाइव फिफ्टी फोर सिक्सटी थ्री सेवेंटी ये क्या है टेंस के टेबल में है ओके okay, टेन बार लिखा है अब देखो एक्सरसाइज में क्या बता है देखो यहाँ पे लुक एट द नाइन टेबल नोट सिक्वेंस ऑफ द नंबर्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ द टेबल ओके यूनिट प्लेस के पैटर्न कौन कौन से है नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो और टेंस प्लेस के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ऐसे क्या है पैटर्न है वो हमें बताने हैं अब देखो लुक एट द एक्ल लुक एट द फाइव टाइम्स अब देखो फाइव टाइम्स यहाँ पे भी हो गया है टेन ठीक है फाइव इलेवन जा फिफ्टी फाइव फाइव ट्वेल्व जा सिक्सटी फाइव थर्टीन जा सिक्सटी फाइव फाइव फोर्टीन जा सेवेंटीन फाइव फिफ्टीन जा सेवेंटी फाइव और हम इसे आगे भी पैटर्न कर सकते हैं. अब देखो फाइंड द पैटर्न डिजिट द यूनिट प्लेस टेबल इन द पैटर्न इन द टेंस डिजिट प्लेस टेबल ओके टेंस और जो रिपीट हो रहा है टेंस प्लेस में नंबर और यूनिट uh, प्लेस में नंबर वो हमें क्या करने हैं बताने ओके okay? ये देखो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के नंबर ये देखो फाइव टू अब क्या किया ए सेवेंटी फाइव तक था हमने क्या किया एटी फाइव तक अब देखो यूनिट प्लेस के नंबर क्या हो जाएंगे फाइव जीरो फाइव जीरो फाइव जीरो यूनिट प्लेस है ना ये आपको पता है यूनिट प्लेस ऐसे फाइव जीरो फाइव जीरो फाइव जीरो अब टेंस प्लेस पे क्या हो जाएगा देखो टेंस प्लेस पे देखो वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स सेवन सेवन अब हमने एट और एटी फाइव भी किया है तो एट एट और अब हमने नाइन्टी फाइव नाइन्टी या नाइन्टी फाइव किया होता तो एट, एट 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 और नाइन नाइन भी आ सकते थे ओके और यहाँ पे क्या रहेगा फाइव जीरो फाइव जीरो फाइव जीरो यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस का पैटर्न क्या होगा वन 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 टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स सेवन सेवन एट एट नाइन नाइन ओके ऐसे भी हम कर सकते हैं ओके ऐसे आपको पैटर्न बनाना है ठीक है समझ में ये आएगी आपको ये सभी आपको अब होमवर्क है बहुत ही इजी है इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रही हूं बहुत ही इजी है आप सॉल्व कर लेना अपने बुक्स में ओके ये देखो एक कंप्लीट पैटर्न क्या होगा वन जीरो 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 यहाँ पे वन टू थ्री फोर यहाँ पे सेवन वन टू थ्री सेवन वन टू थ्री फोर ऐसे इजी इजी क्वेश्चन है यहाँ पे अब ये सेकेंड थर्ड और फिफ्थ आपको क्या है होमवर्क है ये आपको सॉल्व करने हैं अच्छे से ओके समझ में आया पैटर्न पैटर्न मतलब जो रिपीट रिपीट होता है कंटिन्यूअसली रिपीट होते जाता है उसे कहते हैं पैटर्न ओके यहाँ पे कौन सा पैटर्न था मल्टीप्लीकेशन टेबल का ओके यहाँ पे हमने क्या देखा ज्योमेट्रिकल पैटर्न देखा ज्योमेट्रिकल पैटर्न जोमेट्री के कौन से कौन से आते हैं स्क्वेयर सर्कल्स ट्राइंगल्स ये क्या है उसके डायग्राम्स है ओके okay? और फ्री हैंडेड में क्या आता है डिजाइन आते हैं वो क्या होता है रिपीट रिपीट होता है ये देखो ये भी हमें कंप्लीट करना था ओके okay? बहुत ही इजी है आपको ये सॉल्व करने है ठीक है स्टूडेंट्स ये लास्ट टॉपिक था हमारा ये कंप्लीट हो चुका है और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है ओके स्टूडेंट्स आई होप यू विल अंडरस्टैंड स्टूडेंट सो थैंक यू स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे